please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर किनॉट प्लेस में स्वागत है। मुद्दे के साथ जोड़ने के साथ साथ बातचीत के सिलसिले को रोज की तरह यहाँ पर शुरू करेंगे। जी हाँ, आज का मुद्दा जो है वो बेहद गंभीर। जी हाँ, रमजान का पाक मुकद्दस महीना जिसमें युद्ध विराम की एक तरह से सीज फायर की बात कही गई, लेकिन उसके बाद जो उल्लंघन हुआ जिसमें हमारे दो जवान, उसके बाद से दो जवान हमारे शहीद हुए हैं, और पहले तो मैं उनको सैल्यूट करना चाहूँगा, उनके परिवार के साथ संवेदना, और उनके साथ तमाम सारे जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो सारे भैया जी कहीं में जितने हैं वो इस शोक संवेदना में जुड़े हुए हैं। लेकिन क्या मायने हैं, हम सीज फायर करते हैं लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आता, लगातार चलता रहता है। 9 तारीख को ऑल पार्टी मीटिंग हुई जिसमें यह फैसला हुआ कि सीज फायर किया जाए और हम इस बात पर कायम थे, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की तरफ से अरनिया सेक्टर में, हीरा नगर में जिस तरह से सीज फायर का उल्लंघन हुआ, जिस तरह से गोलीबारी हुई जिसमें एक जवान सीताराम उपाध्याय अब 17 और 18 तारीख को शहीद हुए, ये तमाम सारी बातचीत, इन सारी बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। लेकिन परिवार के साथ शोक संवेदना। सवाल ये है कि पत्नी ने कहा कि अगर मुआवजा मिल भी जाएगा तो क्या मेरे पति वापस आ जाएंगे, और यही मूल सवाल है, यही बात है, इसी से जुड़ा है हमारा आज का सवाल, और इसी सवाल को सामने रखते हुए जनता के बीच में जाएंगे, मुद्दे को बात में रखेंगे। और सवाल यह है कि रमजान में युद्ध विराम तोड़कर हिंदुस्तानी नागरिकों के कातिल पाकिस्तान से क्या बातचीत हो सकती है। तमाम सारी बातचीत का माहौल, तमाम सारी बातचीत के लिए पुरजोर कोशिश की बात कही जाती है, लेकिन क्या संभव है? आपसे अगर हम ये कहते हैं कि सीज फायर है, रमजान का पाक मुकद्दस महीना जिसमें हम ये बात कहते हैं उस बात उल्लंघन होता है, इसी बात को रखेंगे। लेकिन जनता मौजूद है, जनता के बीच में जाएंगे और उनके जो सवाल हैं, उनकी जो बातचीत है उसको हम यहाँ पर रखना चाहेंगे। जी साहब, कुछ कहना चाहते हैं? आपने आना शुरू किया है, सिलसिला बनाया है। जी, पाकिस्तान के अंदर में सबसे बड़ा बात है कि देश के अंदर में वहाँ की हुकूमत, वहाँ की जनता और वहाँ का सैन्य जो शासन है, तो वहाँ का वजीर आजम हो या वजीर आला हो, वो देश के अंदर में सैन्य शासन के खिलाफ नहीं जा सकता। और दूसरा, वहाँ भारत विरोधी अगर भावनाएं नहीं भड़काई जाएगी, भारत के खिलाफ नहीं बोलेंगे, तो वहाँ की कोई भी सरकार, चाहे मियां नवाज की हो, चाहे भी जो हुकूमत या हुक्मरान है वहाँ पर, यह नहीं हो सकता। वहाँ पर प्रायः यही होता है, भारत के खिलाफ जितना बोलेंगे, भारत ने हमारे देश के जी भारत के खिलाफ जितना बोलेंगे वहाँ पे जितना ही वहाँ का पॉलिटिक्स बढ़िया होता है, वहाँ की जनता उसको संतुष्ट होती। जी जी सर, जैसी बात करी जा रही है कि रमज़ान के महीने में हम सीज फायर उल्लंघन ना करें, मैं ये कहता हूँ अगर पाकिस्तान की सेना ऐसा कर रही है वो तो उसकी गलत बात है, लेकिन वो कहते हैं कि सवाल यही है, मैं अभी याकूब साहब मौजूद है, मैं उनके पास जाऊंगा कि आखिर रमजान के महीने में जब हम एक तरफ से बात कहते हैं तो आखिर वो क्यों तोड़ते हैं, वो तो इस्लाम को मानने वाले। सर, इस्लाम को मानते हैं ना, इस्लाम क्या कहता है, किसी बच्चे पे, किसी बुजुर्ग पे या किसी बीच औरतों पे वार नहीं करना। और दूसरी बात, पाकिस्तान आर्मी हमेशा नहीं, पाकिस्तान आर्मी ही अटैक करती है, उनके आतंकवादी भी जो वहाँ पे हाफिज सईद बैठा है उनकी, वो बीच में सेना से वार करते हैं, और ये हमको पता रहता है क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता कि आर्मी वार कर रही है, वो पीछे से उनके आतंकवादी भी वार करते हैं, तो पीछे से हमें पहले पता करना होगा कि वार कर कौन रहा है, आतंकवादी कर रहे हैं या सेना कर रही है। जी, सेना कर रही है, आतंकवादी कर रहे हैं, कौन आखिर कर रहा है, कौन? जी, कोई बोलना चाहते हैं आप? जी, मैं तारुफ कराना चाहूंगा जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं। दीपिका शर्मा जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ देर बाद कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे, मोहम्मद असद खान फलाही साहब इस्लाम के जानकार वो हमारे साथ इस कुछ देर बाद मौजूद होंगे, अजय उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक, सैयद यासिर जिलानी कुछ देर में हमारे साथ मौजूद होंगे, और मलिक याकूब राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत के सिलसिले को शुरू करना चाहेंगे। याकूब साहब, आपसे खड़ा करना चाहूँगा, वैली के जानकार हैं, आखिर 9 तारीख को बात होती है ये और उसके बावजूद सीज फायर का उल्लंघन होता है, हमारा जवान शहीद होता है, लेकिन उसके बावजूद हम कैसे विश्वास करें जो पाकिस्तान और वहाँ पे जो आतंकी घटनाएं लगातार गोलियां चल रही हैं। प्रतीक जी, आज मैं नरेंद्र मोदी जी को मुबारकबाद देता हूँ कि जो उसने आज सच में 56 इंच का सीना जो उसने दिखाया, और पूरा कश्मीर मुबारक की यात्रा से पहले की ये है, कल वो जा रहे हैं, और लेकिन जिस तरह का माहौल है वैली में, कह रहा हूँ कि उन्होंने जो अपना जो 56 इंच का सीना दिखाया है, कि जो उसने ऑर्डर्स पे दिए हैं
जो उसने सीज फायर वायलेशन जो हो रही थी वहाँ पे बॉर्डर पे, उसने जो सीज फायर किया है कश्मीर में, उसका पूरा कश्मीर स्वागत करता है। लेकिन अब पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि यह एक मुकदस मीना है, पाक मीना है, उसको भी उसका एहतराम करना चाहिए। तीन जंगें हो चुकी हैं और कम से कम इस पाक मीने में कोई ऐसा नहीं होना चाहिए था जिससे लोगों की जानें जाती हैं, हमारे जो फौजी भाई मर रहे हैं, हमारे पुलिस वाले मर रहे हैं, हमारे सिविलियंस मर रहे हैं, उस पर उनको भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। और सवाल यही है, यही सवाल है, तो हम तो अपनी तरफ से सीज फायर, अगर आप वहाँ से ऑल पार्टी मीटिंग की बात करें तो वहाँ पे तो ये बात निकल के आई और यहाँ पे केंद्र सरकार ने भी उस बात को हामी भर दी, लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? मैं आ रहा हूँ, मैं आपके पास आता हूँ जी। प्रतीक जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऑल पार्टी मीटिंग थी जिसमें सारी पार्टियाँ, पीडीपी भी, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी, कांग्रेस भी और भाजपा भी इन्वॉल्व थी, जिसने ये फैसला लिया। रमज़ान का महीना एक, जैसे आपने शुरुआत में बताया, शांति का महीना है, पवित्र महीना है, आपसी भाईचारे का महीना है और इसमें सब मिलकर ईश्वर की इबादत करें, आपस में खुशियां बांटें और एक समाज की स्थापना करें जहां पे शांति। तो बात सही है, लेकिन ये बताइए आतंकियों की बंदूक क्या थम गई? आतंकियों की बंदूक थम गई क्या? ये युद्ध विराम अनकंडीशनल नहीं है, ये सशर्त युद्ध विराम है। हमारा, हमारी सरकार का ये मानना है कि एक शांति का मौका अवश्य देंगे, क्योंकि रमजान का पवित्र, मेरे साथी बात बहुत अच्छा करते हैं, आप बीच में मत बोलिए, रमजान का महीना पवित्र महीना है, पाकिस्तान के पवित्र महीना है, भाईचारे का, शांति का महीना है। हमने मौका दिया, लेकिन हमने ये भी कहा जनवरी से लेकर अभी तक 400 बार सीज फायर हो चुका है, उल्लंघन कर चुकी है। जनवरी से जो आंकड़े, दीपिका जनवरी से, दीपिका लो, अभी जो आंकड़े हैं, 36 मैं दोनों को रोकना चाहूंगा, 36 जाने गई हैं, 18 जवान है जिसमें जनवरी से, शांति प्रिय है, कायर नहीं है, शांति प्रिय, क्या शांति प्रिय की बात करती है? अरे सेवैया खाने से, नवाज शरीफ के यहाँ सेवैया खाने से देश की सुरक्षा नहीं होगी। देश की सुरक्षा करनी है तो सिर्फ बातों से नहीं होगी, जरूरत है पाकिस्तान को मिलो हिम्मत थी, तोड़ जवाब देने की, कौन देगा जवाब, किसके बस में है? सिर्फ कश्मीर से सीना दिखाएंगे और जब समय आएगा तो सेवैया खाएंगे। अरे जा करके बात कीजिए, जरूरत हो जब कभी हो और जब जरूरत हो तो तकरार की बात है तो बंदूक से और तोप से उसको जवाब दे, सिर्फ बातों से नहीं होगा। पाकिस्तान भारत की सेना मजबूत है। मैं बोलना चाहता हूँ, बातचीत से कोई हल निकलने वाला नहीं है। अब एक कहावत है, सठे साठम समाचरेत, अब इसी तरीके से हल निकलेगा। सबसे अच्छा मुद्दा है, अब कब तक बात करते रहेंगे, एक दशक हो गया पूरा लंबा, हम बात करते करते अपनी बात को दबा नहीं सकते। हमारे जवान रोज शहीद हो रहे हैं, उनकी कुर्बानी हम जाया नहीं देने जा सकते। सठे साठम समाचरेत तिल फाटेत, इस कहावत को सत्य होना चाहिए, अब हम बंद नहीं रोक। सरकार सब जानती है, उसे क्या करना चाहिए सर, हम लोगों को उसे बताने की आवश्यकता नहीं, सारे पावर उसके पास है। जी बिल्कुल सही कहा, सरकार सब कुछ जानती है, सरकार को मालूम है, सरकार को बताने की जरूरत नहीं है। इस चीज को हम मजहबी रंग देते हैं, देयर हैज बीन किलिंग्स इन कश्मीर ऑन द ईद फ्रॉम द इंडियन आर्मी एंड इंडियन पुलिस, व्हाट अबाउट दैट? Just tell me this. आप कहते हैं कि इंडियन आर्मी ब्रुटैलिटी करती है, वो किलिंग कर रही है। Has been with the civilians before. आप ऑन रिकॉर्ड इस बात को कह रहे हैं? हाँ, आप प्रूफ के साथ इस बात को कहेंगे? There has been one. Of course, मैं क्योंकि आप शहरी हैं और आपने एक बात रखी, मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन उससे मैं डिफर करता हूँ, मैं बात को आगे बहस में बढ़ाऊंगा। जी आलोक जी हैं, आलोक जी का मैं स्वागत करता हूँ, मैं आता हूँ आपके पास अरुण जी। सवाल ये है कि सरकार कहती है, आप मौजूद रहिएगा, जाइएगा मत, सरकार ये कहती है कि सीज फायर हमने किया है। सवाल ये है कि जनवरी से अब तक 36 आलोक जी, जिसमें 18 जवान शहीद हुए हैं, तो सीज फायर क्या वहाँ पे ये पूछ के होगी गोली कि भाई हम आतंकी गोली नहीं चलाएगा? देखिए कल भी सीज फायर जैसे ही हुआ है, 2 घंटे के अंदर 3 बार आर्मी के ऊपर अटैक हुआ है, बीएसएफ का कल भी एक जवान शहीद हुआ है, 3 सिविलियन शहीद हुए हैं। आज ये विषय चिल्लाने का नहीं है, विषय ये है कि 4 साल से जब से मोदी साहब की सरकार आई है, कश्मीर के हालात सुधरे हैं या कश्मीर के हालात बिगड़े हैं? वहाँ पर 2014 में 70% वोटिंग हुई थी, आज वहाँ पर बाई इलेक्शन कराने की किसी भी सूरत, कोई सूरत नज़र नहीं आ रही है। जो शहादत है जवानों की वो लगभग 45% बढ़ गई, सिविलियंस जो हैं वो लगातार, उनकी सिविलियंस की डेथ जो है बढ़ती चली जा रही है, 250 स्कूल जल गए, 200 दिन से ज़्यादा कर्फ्यू रहा 4 साल में, जिस तरह से वहाँ पर आज हालात हैं वो क्या होगा?
पीडीपी के साथ आप सरकार चला रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपका जो भी अलायंस हुआ है, आप 50 वर्षों तक कहते रहे कि धारा 370 को हम हटाएंगे। पीडीपी के साथ सरकार बनाई तो तीसरे पेज पर सबसे पहले लिखा कि हम धारा 370 की रक्षा करेंगे। मुझे लगता है कि भाजपा का जो दोहरा चरित्र था, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कसम खाकर कहते थे दो निशान और दो विधान को मंजूर नहीं करेंगे, आज वहां पर दो निशान और दो विधान के चक्कर में, पूरी तरह से सत्ता लोलुपता के चक्कर में पीडीपी के चरणों में भाजपा लोटपोट है और जम्मू कश्मीर की हालत खराब कर रही है। सुनिए, जो हमारी जो इस वक्त हालात है कश्मीर के, जो हमारे जो जवान मर रहे हैं, चाहे पुलिस वाले मर रहे हैं, फौजी भाई मर रहे हैं, ये सब तो कांग्रेस की देन है। मिलिटेंस की कांग्रेस के दौर में ही शुरू हुई है, ये तो आज की नहीं है, ये कांग्रेस के दौर से शुरू हो चुकी है। मैं इस पर अपने इस भाई को कहना चाहता हूँ, आप बताइए आपके दौर में भी वो हो गया, मतलब वायलेशन हुआ है, आप कौन से दूध के धुले हुए हैं? आप दूध के धुले हुए नहीं हैं, आप अपने आप को साफ पेश करना चाहते हैं। आपके दौर में भी इतनी कत्लगारत हुई है जितनी आज तक नहीं हुई है, फिर भी आज नरेंद्र मोदी जी ने अपना 56 इंच का सच में आज सीना जो दिखाया आज ने, उसको हम सलूट आज करते हैं कश्मीर के लोग, क्योंकि उसने जो आज हमारे मुकदस महीने का जो एहतराम उसने किया, उसको हम सलाम करते हैं और उसका हम एहतराम करते हैं। जब 9 तारीख को ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, उसमें क्या कांग्रेस शामिल थी कि नहीं, ये जवाब दे। इन्होंने भी स्वीकृति दी थी युद्ध विराम को, पहली बात। और दूसरी बात, जो राहुल गांधी कहते हैं कि भारत तो पाकिस्तान जैसा बनता जा रहा है, पाकिस्तान परस्त कांग्रेस आगे क्या बोल सकती है? कश्मीर की तकलीफ इन्हीं की गिफ्ट है, भारत को इन्हीं की देन है। जी आलोक जी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी 10 वर्षों तक, 10 वर्षों तक जम्मू कश्मीर के हालात सुधरे थे या बिगड़े थे? सवाल ये है, किसकी देन है किसकी नहीं है, पूरा देश देख रहा है। मुझे केवल ये बताइए, 2014 में 70% पॉलिंग रही, तो आपके दौर में सर मिलिटेंसी वहां पर अगर किसी की देन है तो वहां पर अलगाववादियों की है, पाकिस्तान की है, और वहां की जो दोनों सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी है, दोनों ने हमेशा मिलिटेंसी के पक्ष में बात की है। पीडीपी आज जो क्या कहती है, पीडीपी कहती है कि पाकिस्तान की वजह से, अलगाववादियों की वजह से वहां पर पोलिंग हो रही है, कांग्रेस की वजह से जल रहे हैं आज तक। आज हमारे जो नौजवान जो मर रहे हैं, हमारे पुलिस वाले मर रहे हैं, तो हम कांग्रेस की वजह से जल रहे हैं। ये वहां पर इनको एहतराम नहीं है। अरुण जी आपके पास आता हूं। समस्या बहुत पुरानी है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब उसमें जो पहले था कि जूनागढ़ भी मिला दिया, हैदराबाद भी मिला दिया, एक ये कश्मीर रह गया, वो अब बातें पुरानी हो गई, उनको छोड़िए। सरकार आज पीडीपी की और बीजेपी की है, जो इन्होंने अपने 15 सूत्री कार्यक्रम थे, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि सड़कों पर औरतें और बच्चे वो प्रदर्शन करें। इससे पहले भी सरकार रही, कांग्रेस की रही, नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही, 80,000 करोड़ रुपए अभी पिछले साल मोदी साहब ने कश्मीर वालों को दिए। सवाल ये है कि जब आप ये पीडीपी और बीजेपी ये लोग अगर वहाँ अपनी समझ के अनुसार से नहीं सरकार चला सकते, तो इनको सरकार चलाने का वहाँ कोई हक नहीं। कैसे समझ से नहीं कर रहे? कश्मीर में जितना विकास हो रहा है, हमारी सरकार की वजह से ही हो रहा है। हम विकास के साथ साथ आतंकवाद को खत्म कर रहे हैं। ऑपरेशन ऑल आउट में 1500 मिलिटेंट मार दिए, 1500 मिलिटेंट खत्म किए, हमने खत्म किए, पाकिस्तान को जवाब हमने दिया है, हमारी सरकार ने दिया है, विकास भी कर रहे हैं। और प्रतीक जी, नरेंद्र मोदी जी ने 80,000 करोड़ रुपया जो जम्मू कश्मीर के लिए पैकेज दिया है, और मैं चाहता हूं कि आज नरेंद्र मोदी जी इसका वो पुरतहकीकत करें, वो 80,000 करोड़ जो है वो गया कहां। और सबसे पहले बात सुनिए ना, हमारे जो 15 लाख के करीब नौजवान जो बच्चे बेकार हैं, वो पत्थर नहीं मारेंगे क्या करेंगे उनके लिए? तो सोचिए ना भाई, सरकार को अभी चाहिए कि जो बराबर और बच्चे जो हमारे बेकार हैं उनके लिए आज सोचिए, उनके लिए कुछ सोचना पड़ेगा। भाई दुर्भाग्यपूर्ण है ये सवाल हम रखते हैं, आपका नोट करता हूं कि अगर वो पत्थर नहीं मारेंगे तो क्या करेंगे, ये सवाल। ऑफ कोर्स मैं आ रहा हूं, मैं आलोक जो लोग कैनॉट प्लेस में यहाँ खड़े होकर पत्थरबाजों की वकालत करते हैं, उन पर जनता ताली बजा रही थी 2 मिनट पहले। जनता भी अपने विवेक पर सोचे कि ताली किस बात पर बजानी है और किस पर नहीं बजानी। ये लोग 10,000 पत्थरबाजों को
10,000 पत्थरबाजों को छोड़ दिया, कांग्रेस ने हमारा 10,000 पत्थरबाजों को मोदी सरकार ने गृह मंत्रालय से छोड़ दिया। और राष्ट्रभक्ति की बात, आपकी देन हमारी जो मिलिटेंसी और जो हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे पुलिस वाले मर रहे हैं, वो आप लोगों की देन है, सब कांग्रेस की देन है। मेरा केवल कहना है कि आर्मी वालों का प्रॉब्लम कोई समझता नहीं है, कोई पार्टी हो, इनको केवल 6 महीना आर्मी ट्रेनिंग लेने के लिए बोल दो, तब नेता ज्वाइन करें, तब पॉलिटिक्स ज्वाइन करें, इनको औकात समय में आ जाएगी कि वहाँ पे किस स्थिति में वहाँ पे पत्थर खाते हैं हमारे सैनिक। जो भी सैनिक होते हैं बहुत ही साधारण परिवार से वहाँ पे आते हैं, लेकिन अपनी देश सेवा के लिए वहाँ पे जान देने को तैयार होते हैं। इनको बोल दो 6 महीना केवल आर्मी ट्रेनिंग करें, देखिए पहले मैं तो अपने आर्मी भाइयों के जो परिवार हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहना चाहता हूँ कि आप बारीकियाँ को समझिए कि कल ही राहुल गांधी जी बोले कि हमारा जो भारत है वो पाकिस्तान के जैसा होते जा रहा है, और कल ही हमारा गृह मंत्रालय शांति की कवायद करते हुए वहाँ पर शांति का अपील किया, और इसी बीच जो राहुल गांधी जी से सहमत है पाकिस्तान, वो तुरंत अपना सीज फायर चालू कर दिया। सवाल को आसान करिए, मैं आता हूँ आपके पास, थोड़ी देर में वक्त है, थोड़े से हेडलाइंस की तरफ मूव करेंगे, उसके बाद मैं आता हूँ फिर लौट के, वक्त है थोड़े से ब्रेक का।